छावनी तालुका अंतर्गत भानेगांव ग्राम पंचायत चुनाव का माहौल बेवकूफी बन गया। केदारगढ़ से सरपंच पद के लिए कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक और भाजपा प्रत्याशी शालिनी चौरे की कांटे की टक्कर रहने से चुनावी प्रचार गर्मा गया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक पर किए गए टीका टिप्पणी में बोला गया कि वह नागपुर रहती हैं और गांव का विकास कैसे करेंगी, यह कहते हुए प्रतिद्वंदी द्वारा टीका टिप्पणी की गई। लेकिन डॉक्टर मीनाक्षी वासनिक से मुलाकात वार्तालाप करने पर बताया जा रहा है कि मेरा वास्तव्य भानेगांव में 2005 से निवासी बताते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए जाना कुछ गलत नहीं। इस पश्चात भाजपा प्रत्याशी भी चिचोली से भानेगांव आई है। इतना ही नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद एमबी डॉन झींगाभाई टाकली नागपुर में रहने जाने के लिए घर लिया। दोनों पार्टी में चुनाव प्रचार में घमासान शुरू है, जिसको लेकर कांग्रेसी प्रत्याशी की शुक्रवार को प्रचार सभा में जनता कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ से प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार के होश उड़ने लगे होने की खबर सूत्रधार द्वारा पता चली। क्षेत्र में दिन ब दिन राजकरण में वसा लगा रहने से हमेशा राजकीय पार्टियों में माहौल बना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विशेष न्यूज और मैं हूं मयूर तिरपुड़े। जैसा कि आने वाले 18 तारीख को ग्राम पंचायत भानेगांव के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी बीच जैसे जैसे चुनाव पास में नजदीक आ रहे हैं उसी तरह एक दूसरे दल के प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के सरपंच प्रत्याशी शालिनी ताई चौरे, इन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी वासनिक जी के ऊपर ऐसा आरोप लगाया है कि नागपुर में रह के गांव में कैसा विकास करेंगे। इसी सिलसिले में हम आए हैं आज मीनाक्षी ताई वासनिक इनसे बात करने के लिए। ताई, आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि आप नागपुर में रहते हो, गांव का विकास कैसे करोगे, तो क्या कहना है ताई इसके ऊपर आपका? सबसे पहले मैं ग्राम विकास अघड़ी पैनल ने जो मुझे सरपंच के नाते जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अभी चुनाव का जो माहौल है अभी अंतिम शिखर में आ चुका है। उस समय पर हमारे जो विरोधक है वो उनका आरोप का टिप्पणी का उनका बस चलते ही जा रहा है सिलसिला। तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि मैं नागपुर में रहती हूँ तो ग्राम विकास कार्य किस तरीके से कर सकती हूँ। तो मैं इस मुद्दे पर यही कहना चाहूँगी, मैं एक उदाहरण देकर कहना चाहूँगी कि जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज यदि वो महाराष्ट्र में ही रह रहते तो उन्होंने दिल्ली तक अपनी सत्ता कैसी उन्होंने अपना वहाँ फैलाया रहता। उसी तरह से सावित्री बाई फुले जो एक शिक्षिका रह चुकी है और शिक्षिका होने के बावजूद भी उन्होंने जो समाज कार्य किया है, तो मैं भी एक शिक्षिका हूँ और मैं भी एक नौकरी पेशा हूँ, तो नौकरी पेशा करने के बाद अगर सरपंच का कार्य करता है तो ये कोई गुनाह हुआ है क्या? और उनका कहना है कि मैं नागपुर में रहती हूँ तो ये उनके लिए कहने का ये है कि सरपंच अगर वो है तो नागपुर में रहकर वो काम नहीं कर सकती है। तो मेरा मुझे कुछ इस तरीके से मालूम हुआ है कि हम मेरी जो विरोधक है शालिनी चौरे वो अभी कुछ दिन कुछ साल पहले चिचोली में रह चुकी थी और अभी वह खापरखेड़ा में भानेगांव में रहवासी बोलकर आए हुए हैं। और यह सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि जो चुनाव के सिलसिले के लिए वो आए होंगे। और मुझे यह भी मालूम पड़ा कि नागपुर में उन्होंने लाखों का झींगाभाई टाकड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने एक घर ले चुके हैं और बस ये अपना चुनाव होने के बाद वो वहाँ पर जाने वाले हैं। तो ये बात उन्होंने नहीं बताई, हमने तो भी डिक्लेयर किया कि हम नागपुर में रहते हैं लेकिन ग्राम का भी हम कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने यह बात छुपाई। एनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से मयूर त्रिपुड़े की रिपोर्ट।